कि हमारे कुछ प्रॉब्लम है, हमारे जान का धोखा है, हमारे परिवार पे आफत आ गई है, हमको नहीं ऐसा लगता कि हम बचेंगे नहीं, हमको मार दिया। वो बोलता है कि वो लड़की बच्चन है औरत और दूसरे का बच्चा है, क्योंकि छह महीना में बच्चा पैदा हो गया, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेने के लिए वो लगातार आपको यहाँ पर आपको खत्म कर देंगे। वो लोग जब 15-20 लाख रुपया उनको कुटुंब को छुड़ाने में लग गया तो हमको कहाँ छोड़ेंगे। हम बाप बेटों का, हमारा एक छोटा लड़का है उसका भी, हमारा भी जान का धोखा, कभी भी कुछ हो सकता है, तो पुलिस प्रशासन से हमको मदद चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहां पर सेल भी होती है जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस है, मंडई, 3 बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। कारण नहीं है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम है, हमारे जान का धोखा है, हमारे परिवार पे आफत आ गई है, हमको नहीं ऐसा लगता कि हम बचेंगे नहीं, हमको मार दिया जाएगा। पूरा मामला बताएंगे क्या? मामला ऐसा है कि कुछ लोग हैं, वो हमारे पहचान के लोग हैं, उन्होंने कुछ बिहार से गलत काम करके यहाँ आए थे और यहाँ छिपे थे, तो बिहार से हमको फ़ोन आया, क्योंकि हमारे जानकारी वो लोग को मालूम था कि इनके जानकारी में ये लोग है, बिहार गांव है खुदाई बारी, वहीं के हैं ये लोग, मैं यूपी से हूँ, मैं इनके रिश्ते में आता हूँ, और इन्होंने गलत जो गलत काम किया है उसका मैंने यहाँ से प्रूफ दे दिया कि हाँ यहाँ है ये लोग, तो उसमें इनका पूरा कुटुंब गिरफ्तार हो गया, यानी पुलिस की नोटिस आया, ये लोग सब जाके हाजिर हुए, बाद में सब ने मिल के जामीन कराया, वहाँ से जामीन होने के बाद फिर ये लोग आए, जब वापस बॉम्बे आए तो बोले कि सलामत तुमने क्यों ऐसे भेजा नोटिस हमारे नाम खिलाफ, क्यों बोला उधर, तुम्हारे वजह से हमारी माँ मार खाई पुलिस चौकी में, हम लोग सब मार खाए, हम सब जेल में गए, तो हम लोग जामीन पे छूटे, अभी हमारा मैटर हाईकोर्ट चला गया, तो मैं बोला यार ऐसा गलत काम किया क्यों तू, फिर बोलते कि हम लोग तुरंत देख लेंगे, हमारा 15-20 लाख रुपया खर्चा हुआ सब कुटुंब लोग को छुड़ाने में। अच्छा, वो गलत काम क्या किया? गलत काम वही किया था कि वो पहली जो औरत थी इसकी, उसको बिगड़ तलाक दिए, अब बिगड़ जानकारी में दूसरी औरत एक भगा के ऊपर से ले आके शादी कर लिया और उसको लेके यहाँ चला आया कुरुस में। ये पूरा मामला कहाँ पे हुआ, किधर को लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गांव से उनको नोटिस आया पुलिस चौकी से, और उनके जो ससुर था दूसरा पहली बीबी का बाप, वो जब ढूंढने लगा इन लोगों की सही शादी किया है का, तो ये लोग बता नहीं रहे थे, गुपचुप शादी किए थे ये लोग, कुछ बता नहीं रहे थे कि हमने शादी किया है, और लेकिन यहाँ आने के बाद हमको कान में थोड़ा खबर आया कि फला फला आदमी इधर आए हैं और शादी करके आए हैं, तो उसका बाप ने उसके गांव में गया, तो वो लोग गाँव वाले बोले कि उधर एक सलामत नाम का आदमी रहते हैं, उनके पहचान में लोग रहते हैं, उनको फ़ोन करो, वो लोग मेरे को फ़ोन किए। अच्छा, आपने उनकी सहायता करने के लिए यहाँ से उसकी जानकारी दी कि इधर वो छुपा हुआ है? हाँ, लड़की वाले का, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो वो लोग हमारे ऊपर बोलते कि आपके ऊपर हम लोग केस डालेंगे, आपके जानकारी में वो लोग है, तो मैंने उनको सब बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। फिर लड़का बोलता है, लड़के को मैं फ़ोन किया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि वो लड़की बच्चन है औरत और दूसरे का बच्चा है, क्योंकि 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो इसलिए मैं उसको नहीं रखूंगा। अच्छा, इसी बात का बदला लेने के लिए वो लगातार आपको यहाँ पर धमकियां ने हमको खत्म कर देंगे वो लोग, जब 15-20 लाख रुपया उनको कुटुंब को छुड़ाने में लग गया तो हमको कहाँ छोड़ेंगे वो लोग। तो आपको ऐसा कैसे लग रहा है मुझे मार दे, कोई हमको? हाँ, फोन आया है सऊदी से भी, एक फोन आया था, और एक उसका बड़ा भाई है, उसका नाम सोनू का बड़ा भाई है, उसने बोला कि तू तमीज में रह, नहीं तो तेरे को हमको मालूम है कि हम सिवान के रहने वाले हैं, अब सिवान का हम कौन है। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से की? कौन? हाँ, गया था गणेशपुरी पुलिस चौकी पे, कल साहब के पास एनसी दे के आया हूँ, लेकिन फिर भी हमको लगता नहीं कि हम बचेंगे, क्योंकि कहीं भी गाड़ी वाले कुछ पैसा दे के लोग हम लोग खत्म करा देंगे। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसकी एफआईआर को भी बताइए। एफआईआर एनसी है सर, ये मिला है मेरे को वहाँ से पुलिस चौकी, एफआईआर है क्या, हम पढ़ा लिखा नहीं है, साहब ने यही दिया मेरे को, मैं दिखा देता हूँ मेरे पास क्या है। तो किसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसमें क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनू है, सोनू उर्फ तनवीर हनीफ शेख, ये कुरुस में रहता है और यही सब गेम का मालिक है, ये कहीं से हमको खत्म कराएगा, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये लोग, हम गरीब आदमी हैं, हम कमा के थोड़ा बहुत
ड्राइवरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हमारा जान माल का हमारे बच्चे का ही पास होता, मर जाएंगे हम लोग। तो अभी ऐसा है कि हमको ऐसा मतलब वो अभी जो मैं इनसे दिया है उसमें खाली गाली गलौज का लिखे है, बाकी ऐसा नहीं लिखे है कि तो हमारा मतलब आपको मर्डर करने को बोला, ऐसा नहीं लिखे है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनके पास मैं कोई पत्र के जरिए संपर्क करूँ और हम अपने जान के हिफाजत के लिए मिलूँ। मतलब आप पुलिस के आला अधिकारियों से मांग करोगे? वहाँ तक जाएंगे हम, बॉम्बे तक जाएंगे हम, जहाँ तक जाना होगा सर। आप उनके क्या लगते हैं, लड़की के? मैं उस लड़के का, उस लड़के का बहनोई का बाप हूँ। अच्छा, और लड़की की तरफ से? लड़की की तरफ से कोई नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, लड़की की तरफ से कोई नहीं हूँ। वो हम शादी में नहीं गए, कुछ नहीं, हम जानते भी नहीं कौन लोग। आप उनको कैसे जानते जो आप उनकी सहायता कर रहे हैं? सहायता इस तरह जानता हूँ कि वो लोग हमको वहाँ से बोले कि आप हमारा हेल्प करो, नहीं तो हम लोग आपके नाम से यहाँ से वारंट निकलवाएंगे कि आपने ये सब। जी, वो लोग आपको कैसे कांटेक्ट किए कि आपको? वो जो जिस गांव, जी जिस गांव का वो लड़का है उसी गांव में वो लोग गए, तो वहाँ पर सब लोग, वहाँ हमारे ससुराल है। अच्छा, आपका ससुराल है उस गांव में। अच्छा, तो इस वजह से ये लोग उसके रिश्ते में आते, इसलिए यहाँ पर आए थे ये लोग। मांग यही है कि हम बाप बेटों का, हमारा एक छोटा लड़का है उसका भी, हमारा भी जान का धोखा है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो पुलिस प्रशासन से हमको मदद चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हम उनको जो सजा है उनको वो दिया जाए। हम और हम बचेंगे नहीं, हम जानते हैं हमको मार देंगे ये लोग, नहीं बचेंगे। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने? गणेशपुरी में किया हो जी? गणेशपुरी पुलिस चौकी। आपका नाम क्या? जी, हमारा नाम सलामत शेख है। पूरा नाम बोलिए। सलामत कुदरत शेख, अंबाड़ी गांव में रहता हूँ, मस्जिद के बाजू मेरा घर है। मैं लापिनोज पिज्जा, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पिज्जा ब्रांड, अभी मंडी में। अब लापिनोज पिज्जा दे रहा है रीजनेबल और बेस्ट क्वालिटी पिज्जा सिर्फ ₹69 में, और चार पिज्जा का कॉम्बो ऑफर मिलेगा सिर्फ ₹309 में। इतना ही नहीं, लापिनोज पिज्जा में पास्ता, गार्लिक ब्रेड जैसे और चीजें वेज और नॉन वेज ऑप्शन में अवेलेबल है। मॉन्स्टर पिज्जा से जाना जाने वाला लापिनोज पिज्जा दे रहा है 24 इंच का मॉन्स्टर पिज्जा। अगर आप घर बैठे लापिनोज पिज्जा एंजॉय करना चाहते हैं तो लापिनोज ऐप से अपना पिज्जा ऑर्डर करें और पाइए फ्री होम डिलीवरी, या कॉल करें दिए गए नंबर पर।